मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से याद कर लेना इसको, समझ के। विशिष्ट बालक, ये है आज का हमारा टॉपिक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? भाई विशिष्ट बालक ये नहीं है कि भाई जो जो हीन हो किसी तरह से, वो ही विशिष्ट है। जो श्रेष्ठ होते हैं, प्रभावशाली प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो भी विशिष्ट बालक है। ठीक है, जैसे हम ये मानते हैं समावेशी शिक्षा, मतलब नॉर्मल जो बच्चे हैं और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, उनको भी साथ साथ ही पढ़ाओ। ये नहीं है कि उनको ये अलग से क्लासेस लगनी चाहिए, और जो हीन बच्चे हैं, जो अलग, जिन जो शारीरिक रूप से या सामाजिक रूप से हीन है, उनको भी उनके साथ ही पढ़ाओ। ये भी नहीं होना चाहिए कि भी इनकी भी अलग क्लासेस हो। ठीक है, ये चीजें क्या करती हैं कि भाई बच्चों में हीन भावना को बढ़ाती हैं। ये देखिए, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ या हीन होते हैं। ठीक है, जो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे या तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे, या फिर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, मतलब, या फिर हीन होंगे। अनुवांशिकता या वातावरण में भिन्नता के कारण इन बालकों के शारीरिक, मानसिक और अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है। मतलब कि शारीरिक रूप से अलग, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से अलग, ये तीनों भिन्नताएं अलग, मतलब अलग अलग तरीके से हीन हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं सामान्य बालकों से। हीन वर्ड का यूज नहीं करेंगे, मतलब सामान्य बच्चों से अलग हो सकते हैं वो, चाहे वो शारीरिक रूप से अलग हो, चाहे वो मानसिक रूप से अलग हो मेंटली, ठीक है, या फिर अन्य कोई गुण, ठीक है, जो भिन्नता प्रकट करे, सामान्य बच्चों से अलग दिखाए उनको। ठीक है, ये तो बात हुई विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बालकों में अपनी विलक्षणताओं या विशेषताओं के कारण समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। मतलब कि जो बच्चे विशिष्ट बालक हैं, जो वो दूसरों के साथ समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पाते वो जल्दी से। जो बहुत ज्यादा, जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, वो भी नहीं हो पाते जल्दी से एडजस्ट। क्यों? जैसे क्लास में मान लो कोई टेस्ट दिया या कोई काम दिया, वो सबसे पहले कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरे बच्चों को में हीन भावना पैदा कर देंगे, या फिर शरारत करेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, तो वो समायोजित, मतलब समायोजित नहीं हो पाते, समायोजन नहीं कर पाते। समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। ठीक है, उनको यहाँ पे क्या है, हमें उनको किस तरह से हैंडल करना है, वो चीजें देखेंगे, जिससे इनके पालन पोषण और शिक्षा में विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। ठीक है, शिक्षा में भी हमें इनकी तरफ विशेष ध्यान मतलब दिए जाने की आवश्यकता रहती है, नीड होती है इनके अलग से इंटेंशन की। विशिष्ट बालक का अर्थ, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालकों में सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यता सामान्य बालकों से अलग पाई जाती है। विशिष्ट बालकों में किसी कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से, या फिर जो प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है, जो जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा तेज है, या वो क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, बहुत तेजी से कर लेंगे, और जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो विशिष्ट बच्चे क्या करेंगे, वो बहुत देर लगाएंगे उस काम को करने में, सामान्य नहीं है। मतलब वो विशिष्ट बालकों के उनकी विशिष्टता के अनुरूप निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, इंटेलेक्चुअल मतलब रूप से विशिष्ट बच्चे, शारीरिक दृष्टि से जिनको कोई शारीरिक फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, शारीरिक दृष्टि से अलग है जो बच्चे, इनको अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है। विशिष्ट बालक सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, यहाँ पे तीन तरह के होंगे, बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। अब ये देखेंगे हम बौद्धिक रूप से कौन कौन से विशिष्ट बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से और सामाजिक।
ये देखें, मानसिक रूप से विशिष्ट बच्चे, मानसा मंदित मतलब मंदबुद्धि बच्चे, प्रतिभावान पिछड़े बच्चे, पिछड़े बालक। शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं? मानसिक बुद्धि मतलब मनसा बंधित बच्चे वो होते हैं जो मंद बुद्धि है, किसी चीज को बहुत धीरे 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 सीखते हैं, ठीक है। प्रतिभावान बच्चे वो होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, वो होते हैं जरूरत से ज्यादा एक्टिव। पिछड़े बालक जो पिछड़ चुके हैं, ठीक है, अधिगम में। विकलांग, शारीरिक रूप से विशिष्ट बच्चे देखे, विकलांग बालक, विकलांग मतलब जिनको कोई अंग छोटा है बड़ा है, ठीक है, इस तरह से। श्रवण बाधित, सुनने में कमी हो, मूक व बधिर बच्चे, मतलब बोलने में कोई दिक्कत आ रही हो उनको, या गूंगे बच्चे जिनको हम बोल सकते हैं, तो बहरे गूंगे। दृष्टि बाधित, देखने में जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है। सामाजिक रूप से विशिष्ट बाल अपराध, सामाजिक रूप से अलग जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? बाल अपराध, जो बाल अपराध करते हैं वो वाले बच्चे, समस्यात्मक बालक, ठीक है। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? जिनकी तरफ जिनको एक इंटेंशन जो उनके अकॉर्डिंग नहीं, जो ध्यान मिल पाया, वो बच्चे क्या बन जाते हैं? समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रतिभावान बच्चे हैं यहाँ पे, अगर इनको इनके अकॉर्डिंग हमें हम इन पे ध्यान नहीं दे पाए, तो ये क्या है, जो सभी में कोई ना कोई प्रतिभा होती है किसी बच्चे के अंदर, अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते या ध्यान नहीं दे पाते, तो वो क्या हो जाते हैं? समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एक क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, पर उसके अकॉर्डिंग उसे क्लास में कुछ सीखने के लिए अच्छा कुछ मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो क्या है? समस्यात्मक बालक बन जाएगा आखिर में। फिर ये देखेंगे हम, ये हो चुका, ये देखिए। क्रिक के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा, क्रिक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न है, मतलब इतना अधिक अलग है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन अथवा विशेष सेवाएं चाहता है। तो मतलब हमारी जो स्कूल का जो सिस्टम है उसमें उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो सिस्टम है उसमें कुछ परिवर्तन चाहता है भाई, अपने अकॉर्डिंग वो विशेष सेवाएं चाहता है कि भाई स्कूल का कुछ सिस्टम उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए, जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके, ठीक है। हैरी पार्कर के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है? हैरी पार्कर के अनुसार असाधारण विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, जो शरीर से भी भिन्न है, शारीरिक रूप से भी भिन्न है, ठीक है, मानसिक मेंटली भी रूप से, मेंटल तरीके से भी, मतलब वो अलग है बच्चों से, मानसिक रूप से भी भिन्न है, और संवेगात्मक इमोशनली मतलब वो अलग है, और सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित विचलित होते हैं, मतलब अलग होते हैं कि उन्हें इस हद तक वो अलग होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है भाई, ठीक है, उनपे विशेष ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट बालकों के प्रकार, बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक, ये विशेष विशेष मतलब ध्यान हमें सामान्य बालकों के साथ रखकर ही उनपे देना होता है भाई, ठीक है। ये नहीं कि उनके लिए हम अलग से ही उनको बैठा देंगे, अलग से ही एक कमरे में सब बच्चों को इकट्ठा करके उनकी अलग से क्लास लगानी शुरू कर देंगे, नहीं, एक साथ बच्चों को रख के उनपे ध्यान देना विशेष। विशिष्ट बालकों के प्रकार देखिए, बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक पक्षों के आधार पर विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये मैंने आपको बता दी, तीन ये है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक। कई बार बच्चा क्या होता है समस्यात्मक बालक में, मैं आपको बताती हूँ, कई बार बच्चा क्या होता है, शारीरिक रूप से भी बिल्कुल सही है, ठीक है, दिखने में भी बिल्कुल सही है, आईक्यू लेवल भी ठीक है, ठीक है, कोई विकलांगता भी नहीं है उसके, दिव्यांग भी नहीं है,
मतलब शारीरिक रूप से ठीक है, कोई आईक्यू लेवल भी ठीक है, सुन भी ठीक रहा है, बोल भी ठीक रहा है, दिखाई भी ठीक रहा है, फिर भी वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा बच्चों के साथ, ठीक है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है वो, तो उसे हमें पहले जानना है, ठीक है, फिर उसको उसके अनुसार ही उसको माहौल देना, ठीक है, ये होता है विशेष बालकों के प्रकार। ये देखिए शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से विकलांग बालक आते हैं, मतलब जो जिनके शरीर में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है, किसी शरीर का के अंग का बड़ा या छोटा होना, समायोजन एवं शिक्षा की दृष्टि से इन बालकों की विशेष व्यवस्था करना आवश्यक है, ठीक है, मतलब के उनके बैठने के लिए उसी क्लास में जहाँ पे सामान्य बालक बैठे हैं वहीं पे उनके लिए अलग से सुविधा की जानी चाहिए, मतलब अगर बहुत ज्यादा पैर लंबे हैं या उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे बैठने की सुविधा होनी चाहिए, और या फिर देखने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी सीट जो है ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो उसको ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई दे, ठीक है, इस तरह से सुविधा होनी चाहिए, चलने में दिक्कत है तो सीढ़ियों की जगह स्कूल में रैंप बनाना चाहिए, फिर देखें मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, हेलो हेलो, यस मैम, यस मैम, समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम, यस यस मैम, मैम, यस मैम, देखेंगे मानसिक रूप से विशिष्ट बालक कौन से होते हैं भाई, इस वर्ग में प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली मतलब जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, जो बहुत तेजी से काम कर लेते हैं, ठीक है, तेजी से काम कर लेंगे तो वो भी तो प्रॉब्लम बन सकते हैं ना क्लास के लिए, वो दूसरे बच्चों में हीन भावना फैलाएंगे, ठीक है, अनुशासन में नहीं रहेंगे, शरारत करेंगे, तो उनको हमें कैसे संभालना है, ठीक है, आगे हम इन चीजों को पढ़ेंगे। इस वर्ग में प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, पिछड़े अथवा धीमी गति से सीखने वाले और मंद बुद्धि बालक आते हैं जो मानसिक रूप से है विशिष्ट बालक। संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक, इस वर्ग में अस्थिर, शर्मीले, ठीक है, मतलब जिनके इमोशंस स्थिर नहीं है, जल्दी से वो रोने लग जाते हैं या जल्दी से हंसने, बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, ठीक है, शर्मीले, बहुत ज्यादा शर्मीले, चिंताग्रस्त, जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में ही वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, और क्रोधी बालक आते हैं जिनको बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है, जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते ना टीचर के साथ और ना ही अपने साथ के बच्चों के साथ, तो उनको। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, इसमें वही है भाई, इस वर्ग में मुख्य रूप से चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ठीक है, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बालक आते हैं, ठीक है, इस तरह के बच्चे आते हैं जो बाल अपराध करते हैं, इस तरह के। विशिष्ट सामान्य बालक में अंतर देखिए, विशिष्ट बच्चे सामान्य बच्चे, विशिष्ट बालक प्राय शारीरिक रूप से अस्वस्थ या दिव्यांग होते हैं, या तो वो बीमार रहते हैं या फिर वो दिव्यांग, वही विकलांग, कोई यंग का छोटा बड़ा होना। सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ठीक है, सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ये बालक मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो जल्दी, बहुत जल्दी मानसिक बीमारियों से इतने मतलब ज्यादा वो होते हैं, जो बहुत जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं बीमारियों से, बहुत जल्दी, जैसे मान लो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कई बार, कोई छोटी मोटी चीज उसको, मतलब किसी एग्जाम में कम नंबर आ जाए या कुछ हो जाए तो वो उसकी टेंशन बहुत जल्दी ले लेता है, ठीक है, स्वस्थ होने के कारण मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रस्त नहीं होते। ठीक है, फिर देखिए, हेलो, विशिष्ट यस बालक, मैम, हाँ जी, विशिष्ट बालक यस समाज मैम, यस के मैम, साथ सही यस से मैम, समायोजन नहीं कर पाते, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, जो विशिष्ट, जो अलग बच्चे होते हैं सामान्य से, वो क्या है, विद्यालय में जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाते, ठीक है, सामान्य बालक समाज और विद्यालय के साथ सही से समायोजन कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं।
विशिष्ट बालकों का संवेग पर प्राय नियंत्रण नहीं होता, इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं होते, जिसके कारण उनमें प्रेम घृणा आनंद क्रोध का सही ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाते वो बच्चे। सामान्य बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने में सफल होते हैं, ये मतलब खुशी और मतलब अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी खुशी पर कंट्रोल कर सकते हैं, इन बच्चों में थोड़ी इसकी कमी रहती है। विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि प्राय 90 से कम होती है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। विशिष्ट बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी क्या होते हैं भाई बताओ? हेलो मैम, जो बोल नहीं सकते, इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी बोल नहीं सकते वो नहीं होते। हाँ आप बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे, वो इंट्रोवर्ट मैम इंग्लिश में बता जो मन ही मन में ज्यादा सोचते हैं, तरफ ही तरफ ज्यादा लगा। डेफिनेशन बताओ, मतलब मैं आपने अंदर की भावनाओं को बाहर कम बताते हैं। हाँ ये होते हैं भाई, अंतर्मुखी जो होते हैं वो अपने आप में वो आवाज आपकी नहीं आ रही मैम, के बच्चे दूसरों के साथ घुल मिल नहीं सकते। घुले मिलेगा तभी कर पाएगा ना समायोजन, एडजस्ट तो तभी हो पाएगा ना जब हम किसी दूसरे के साथ घुल मिल पाएंगे। जो घुलते मिलते हैं वो कौन से बच्चे होते हैं? बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाले बच्चे अभयमुखी वो होते हैं, अभयमुखी वो बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है। और हम जो है इनमें दोनों ही गुण है, अंतर्मुखी भी है और बहिर्मुखी भी है, ठीक है, वो होते हैं उभयमुखी, ठीक है। ये था भाई अंतर्मुखी। हेलो मैम, से ही बस अपने आप तक सीमित है, वो दूसरों के साथ जल्दी से खुल मिल नहीं पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। हेलो मैम, बहुमुखी को एक्सप्लेन कीजिएगा अगेन। हाँ जी बोलिए, बहुमुखी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा मैम अगेन, बहुमुखी को एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, बहुमुखी वो ही होते हैं भाई जो जल्दी, जो जिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जल्दी से ही दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, अपनी बात को बहुत जल्दी से दूसरों के सामने रख देते हैं, ठीक है। ऐसे व्यवहार जिनका नेचर ऐसा होता है वो होते हैं बहिर्मुखी, ठीक है, ये होते हैं अंतर्मुखी। और हम जो लोग अब हैं और कुछ बच्चे जहाँ पे बोलना आता है वहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे चुप रहना होता है वहाँ पे चुप रहते हैं, तो वो आते हैं उभयमुखी की श्रेणी में। हम लोग अब इस टाइम उभयमुखी हो चुके हैं, ठीक है। अधिकतर लोग ये उभयमुखी होते हैं। जिसमें मतलब ये दोनों गुण पाए जाए ना, अंतर्मुखी वाले भी और बहिर्मुखी वाले भी, वो उभयमुखी होता है। यही था भाई आज का टॉपिक, विशिष्ट बालकों का अर्थ परिभाषा, ये दो तीन क्रिक और किसकी बताई थी, हैरी पार्कर बाकर थी, हैरी बाकर। हैरी बाकर और क्रिक, ये दो दो की परिभाषाएं याद कर लो, इसका अच्छे से अर्थ आपको पता होना चाहिए, इतना टफ नहीं है ये, बस इतना ही था। हेलो यस मैम, मैम अंतर्मुखी क्या बताई थी मैम? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी भाई जो बहुत ज्यादा शर्मीले स्वभाव के बच्चे होते हैं, जो जल्दी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, ठीक है, कोई बिल्कुल भी मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो कैसे बच्चे होते हैं? वो अंतर्मुख। और क्या बताए थे मैम, जो दोनों होते हैं उभयमुखी और अंतर्मुखी, क्या कहते हैं? फिर वॉइस कट रही है मैम। इंट्रोवर्ट मैम, जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होते हैं उसको उभयमुखी बोला जाता है। इंट्रोवर्ट होते हैं ये शर्मीले स्वभाव के, घुलने मिलने वाले नहीं होते नेचर, ठीक है, ऐसे बच्चे। और जो बहिर्मुखी होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी घुल जाते हैं, ठीक है, मिलनसार बच्चे होते हैं। और जिनके अंदर ये दोनों गुण पाए जाए, अंतर्मुखी वाले भी और बहिर्मुखी वाले, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही, तो वो उभयमुखी बच्चे। सामान्य जो बच्चे होते हैं उभयमुखी होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक,
ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दोनों इंग्लिश मीडियम की भी और हिंदी की भी, अच्छे से समझ लेना इसको।